नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको वाटर क्लॉक बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने मिरर क्लॉक तो बता दिया और वाटर क्लॉक छोड़ दिया, तो आइए आज हम आपको वाटर क्लॉक का सुपर फास्ट विधि बताने वाले हैं। वाटर क्लॉक की ऐसी विधि आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, और एक नहीं हम आपको तीन तीन मेथड ऐसे बताएंगे कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वाटर क्लॉक का नहीं फंसेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल कलर से नीचे लिखा हुआ है, और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे सारे वीडियो आपको देखने हैं सुपर फास्ट विधि से और ऐसी ट्रिक जो आपको पूरे यूट्यूब पे मौजूद नहीं मिलेगी, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाटर क्लॉक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम वाटर क्लॉक का मतलब समझ लें कि वाटर क्लॉक मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर ये है, यहाँ पर हमने अगर ये अपना राइट रखा, ये लेफ्ट हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, अगर मैं खड़ा हूं ये मेरा अप, नीचे डाउन, ये राइट, ये लेफ्ट। अब हम वाटर क्लॉक का मतलब क्या है, नीचे साइड में शीशा लग जाए। अगर यहाँ पर शीशा लगता था तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो देखना है आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको जो है वो मिरर क्लॉक दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसे जब हम पलटते हैं तो ये क्या बनता है, कुछ ऐसे बनता है। वो देखिए कहने का मतलब है कि अगर ऐसे है और इसको अगर हम ऐसे पलट देंगे तो देखिए जो अंगूठा हमारा ऊपर था वो नीचे चला आएगा। अब ये हमारा यू नीचे हो जाएगा और डाउन ये हो जाएगा, राइट ये रहेगा और लेफ्ट ये रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि कभी भी वाटर इमेज में राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है, अप और डाउन चेंज होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट हमारा नो चेंज, राइट लेफ्ट जैसा जो जहाँ था वही रहता है। और दूसरे में क्या पता चल गया कि अप एंड डाउन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो अप है वो डाउन है वो अप। अब यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं घड़ी पे। तो देखिए दोस्तों घड़ी पे हम जब लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर ये हमने घड़ी बना ली, अगर ये हमने घड़ी बना ली तो यहाँ पर 12, 6, 3 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 ये होगा। अब दोस्तों शीशा कहाँ लगेगा, नीचे। इसे हम शीशा या नीचे लगाते हैं या हम यहाँ पानी भर दें, बराबर है। अब जरा देखें ध्यान से कि अगर किसी चीज की जब हम नीचे आकृति बनाएंगे क्लॉक की तो कैसे बनेगी, और बनने का मतलब क्या है। देखिए ये ऊपर का यहाँ चेंज हो गया तो 12 यहाँ हो जाएगा और 6 हमारा यहाँ हो जाएगा, 3 हमारा यही रहेगा, 9 हमारा यही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमारा 4, यहाँ पर हमारा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, ऐसे कुछ दिखेगा। जब हमारा डायल बदलेगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब दोस्तों देखेंगे ध्यान से कि इसमें हमारा क्या नहीं बदलता है, राइट लेफ्ट। कहने का मतलब है कि ये दो वैल्यू हमारी इसमें क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये वैल्यू हमारी फिक्स रहती है, जो भी रोटेशन होता है वो कहाँ होता है, ऐसे होता है। अगर यहाँ है तो इधर हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल आपको ले लेते हैं कि किसी ने आपसे अगर कह दिया, ध्यान से सुनिए, कि अगर हमसे किसी ने कह दिया कि 1 बजकर या समथिंग ऐसे कर लेते हैं कि 10 बजकर 20 मिनट, 10 बजकर 20 मिनट, ये हमारी मिनट की सुई हुई, हमारी हावर की सुई। तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो दोस्तों जितना ये 3 से ऊपर है उतना नीचे, यानी कि ये मिनट की सुई अब यहाँ आ जाएगी और ये हमारी कन्वर्ट होकर के समथिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी सुई, हावर की सुई। जो इंटरचेंज होता है वो ऐसे होता है। अब दोस्तों इसके हम आपको तीन मेथड बताने वाले हैं। एक नहीं समझ में आता है दूसरा लगाइए, दो नहीं समझ में आता तीसरा लगाइए। और दोस्तों अगर कोई दुनिया का क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए और मुझे भेजिए। बस आपको सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को शेयर करते रहना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों मेथड नंबर फर्स्ट में आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि ये वैल्यू हमारी फिक्स रहती है। ये दोनों क्या है, फिक्स है, और ये दोनों हमारी फिक्स है, ये दोनों नहीं बदलते हैं, केवल अप और डाउन बदलते हैं। तो पहले कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि 8 बजकर 10 मिनट का हमारा वाटर प्रति
प्रतिबिंब क्या होगा या जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि 8-10 है तो जो हमारी घंटे की सुई होगी वो किस पे होगी, 8 पे होगी, ये हमारी घंटे की सुई हो गई। और जो हमारी मिनट की सुई होगी वो हमारी कहाँ होगी, 10 मिनट है, यानी कि वो सुई हमारी 2 पर होगी। तो देखते ये है कि ये सुई इससे 9 से कितनी नीचे है। कभी भी मिडिल बार नहीं लेते हैं, जो जितना यहाँ पर दिया होता है उतना ही लिया जाता है। ये बताइए 9 से कितने नीचे है घंटे की सुई, 1 है ना। तो अब जितनी ये नीचे होती है उतनी ये ऊपर हो जाती है, अगर ये ऊपर होती तो ये नीचे हो जाती। तो ये बताइए कि यहाँ से जब ये नीचे 9 से 1 स्टेप नीचे है तो 1 स्टेप ऊपर बढ़ाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। यहाँ से यहाँ पर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्टेप नीचे था, 1 स्टेप ऊपर बढ़ाया। अब इसको देख लो, यदि यहाँ पे 1 स्टेप ऊपर है तो 1 स्टेप नीचे हो जाएगी, ये कहाँ पर चली जाएगी, 4 पर चली जाएगी। और 4 पर कितना होता है, 10 मिनट होता है, 20 मिनट। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल और ले रखा है उसको भी देख लीजिए, 4:40। तो जरा देखा जाए कि सीधे सीधे करिए, 4:40 तो यहाँ पर दोस्तों कितना होता है, 30, और 4:40। ये हमारी मिनट की सुई, ये हावर की सुई, ये टाइम आपको रियल में दिया गया है। तो हमें केवल ये देखना होता है कि चार इससे एक नीचे है, 4 इससे एक नीचे है तो इससे क्या कर देंगे, 1 ऊपर कर देंगे। तो जितना नीचे है सुई उतनी ऊपर जाएगी घंटे की सुई, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए मिनट की सुई इससे कितनी नीचे है, 1 स्टेप नीचे है, 1 घंटा नीचे है, 1 ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे चली जाएगी। और जब ये 10 पे चली जाएगी तो बताओ कितने मिनट हो जाएगा, यहाँ पर 30, 40, और ये कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये बनेगी कैसे, इसको जब चेंज करेंगे तो ऐसे, और यहाँ से देखेंगे तो कुछ ऐसे, ये जितनी नीचे थी ऊपर चली जाएगी और जितनी नीचे थी ऊपर चली जाएगी। क्लियर। एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पर रियल टाइम दिया है 12:20 दिया है तो समथिंग अगर आप देखिए तो 12 क्या होगा, जो घंटे की सुई हमारी होगी वो 12 पे होगी, और मिनट की सुई जो हमारी होगी वो कहाँ होगी, समथिंग 4 पे होगी, कुछ ऐसा समथिंग होगा। अब मैंने कहा बेटा सीधे सीधे लेते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि 12:20 है तो ये सुई हल्का सा इधर होगी, ये सब नहीं देखते हैं, डायरेक्ट देखिए जो यहाँ दिया है। अब ये बताओ चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, तो यहाँ से अगर हम ले लेंगे तो ये बताइए कितना स्टेप ऊपर है, 1, 2, 3। इधर से देखेंगे 1, 2, यहाँ से लेंगे 1, 2, 3। इधर से भी देख लो कितने स्टेप ऊपर है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर चलेंगे 1, 2, 3। तो अगर ये 3 स्टेप ऊपर है और 3 स्टेप यदि ऊपर है तो 3 नीचे चाहे जरा से लाएंगे कितना हो जाएगा, 2:6 हो जाएगा। अब ये बताइए ये इससे कितना नीचे है, 1 स्टेप, तो ये कहाँ चली जाएगी, 1 स्टेप ऊपर, और 1 स्टेप ऊपर गई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोस्तों आंसर हो गया। एक और देख लीजिए नीचे 9:15, अगर देखा जाए तो 9:15 हमारा दिया गया है तो 9:15 कुछ समथिंग समथिंग देखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा 9:15 समथिंग समथिंग। अब हम जानते हैं ये बताओ कितना ऊपर नीचे है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, तो 9 है तो 9 ही रख देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये कितनी ऊपर नीचे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो यहाँ पर कितना रख देते हैं, 15। तो 9:15 का मान क्या होगा, 9:15 ही होगा। अब दोस्तों देखते हैं मेथड नंबर टू। देखिए दोस्तों सेकेंड मेथड है, ट्रिक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, जनरल ट्रिक मैंने पहला बता दिया है, मेथड नंबर टू है, याद रखना है, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम इज इक्वल टू 18 घंटे 30 मिनट। और जब मिनट का मान 30 से अधिक हो जाए, जब मिनट की वैल्यू है वो 30 से अधिक हो जाए तो क्या करते हैं, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम इज इक्वल टू 18:90। ऐसा मत समझिए कि एक घंटा इसको दे दिए, इसे 18:90। अब आइए जो मैं ऊपर कुछ बता चुका हूं, देखिए इनको कैसे चुटकियों में निकालते हैं। तो दोस्तों इसको ले लेते हैं, तो ये हमारा रियल टाइम है, रियल टाइम दिया हो या मिरर वाटर इमेज टाइम दिया हो घटेगा एलिमेंट उसी में से, क्योंकि अगर ये पूछा उधर जाएगा तो भी माइनस होगा और ये पूछ लिया उधर जाएगा तो ये माइनस होगा, तो हमेशा घटेगा इन्हीं दोनों में से। देखिए पहला 18:10, ये 8:10, तो 8:10 है ये लगेगा, क्योंकि जब 30 का मान अधिक होगा इसमें ये वाला लगेगा। तो पहला 18:30 यहां निकाल देता हूं,
18:30 में से हमें दोस्तों घटाना है 18:10। अब इसको लेस कर दीजिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और इसमें से ये घटेगा तो कितना बजेगा, 10:20। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? अब यही हमारा कितना हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं, एक और यहाँ पर कितना दिया है, 4:40। अब दोस्तों मिनट का मान क्या है, 30 से अधिक है, तो जब 30 से अधिक है तो सेकंड फार्मूला 18:90 में से घटाएंगे तो यहाँ घटा दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 18:90, और इसमें से हम घटा देंगे कितना, यहाँ पे घटा देंगे 40, तो दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 14। अब 14 तो बचता नहीं किसी घड़ी में, 14 नहीं बचता तो कितना बचेगा, 14 सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो 12, 13, 14, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, 14 की जगह 2, और यहाँ पर कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा 2:50। यही दोस्तों आंसर हो गया, देख लीजिए। और एक यहाँ पर फिर देखते हैं, अगर दिया है 7:55, तो 7:55 क्या है, मिनट का मान 30 से अधिक है, सेकंड फार्मूला, तो उसको यही लगा के रख देते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 18:90, और 18:90 में से कितना घटाना है 7:55 हम लेस कर दें, तो दोस्तों जब 7:55 को हम इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 35 बचेगा, 35, हाँ 35 बचेगा, और इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ कितना बच जाएगा 11, तो यही बार आंसर हो गया 11, क्योंकि 11 घड़ी बचता है, 11:35 यही बार आंसर हो गया। तो दोस्तों अब इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पर 12:20 दिया है, अब मिनट का मान 30 से कम है तो किसमें से घटेंगे, पहले में से, तो बता दीजिए तो 18 में से 30, तो यहाँ पर 12:20 तो कितना बचेगा 10, और इसमें से दोस्तों इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, तो आंसर कितना हो गया 6:10, यही आंसर हो गया। दोस्तों एक और देख लेते हैं कि अगर हमारा मान 9:45 दिया है, सॉरी 9:15 दिया है, किसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा, क्योंकि क्योंकि मिनट का मान जब तक 30 से अधिक नहीं हो जाता तब तक ये फार्मूला यूज नहीं होता, तो अब देख लीजिए यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर 18 कितना हो गया 30, और इसमें से घटा देंगे 9:15 तो क्या बचेगा 15, इधर कितना दोस्तों 9:15, यही आंसर हो गया। दोस्तों चाहे इतना बड़ा क्वेश्चन हो सीधे मार दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक मेथड और देख लेते हैं, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो तीसरा मेथड देखिए कैसे लगता है। देखिए दोस्तों एक चीज है, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में बताया, हिंदी में समझ लीजिए, ये आरटी रियल टाइम का मतलब क्या होता है, ये होता है वास्तविक समय, जो घड़ी में रियल समय होता है उसे क्या बोलते हैं, रियल टाइम, वास्तविक समय। और यहाँ वाटर इमेज टाइम ये बोलते हैं, जो प्रतिबिंब हमें, जो पानी में प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, वाटर इमेज टाइम या प्रतिबिंब समय। क्लियर? तो इसे दोस्तों क्लियर कर लीजिएगा, हिंदी में इसको वास्तविक समय, इसको प्रतिबिंब समय बोलते हैं। देखिए दोस्तों दो मेथड मैंने बता दिए, तीसरे मेथड भी समझ लीजिए। तीसरा मेथड क्या कहता है कि हम जानते हैं ये फिक्स होता है, अब ये हमें क्या करना है, योग 6 या 18, योग हमें क्या करना है, 6 या 18 करना है, और कुछ योग नहीं करना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे आपका रियल टाइम वास्तविक समय दिया है 8:10, तो मिरर या मिरर प्रतिबिंब टाइम क्या होगा, या सॉरी जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए तो हम करते क्या है, ये बताइए, यहां साइड हल करके दिखाता हूं, ये लिखा हुआ है 8:10। क्लियर? तो यहां पर तो हमने क्या कर लिया, यहां पर 8 ही है, अब यहां पर हमने ये जो मिनट में वैल्यू दी गई है इसको पहले ये देखें कि 10 मिनट है, यानी कि किस नंबर पर सुई आएगी, ये तो 8वें नंबर पे आएगी, ये सुई हमारी किस नंबर पे आएगी, 8वें पे है, अब ये किस नंबर पे है, क्योंकि इधर हमारा मिनट दिया है, और ये देखिए 10 मिनट का मतलब है ये 2 पे होगी, तो 10 मिनट का मतलब है ये किस पे होगी, 2 पे होगी। अब इसी को हमें या तो 6 बनाना है या 18 बनाना है, तो दोस्तों यहां देखिए 6 तो ये बनेगा नहीं, पीछे जाना पड़ेगा, आगे चलेंगे तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, और 10 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। अब यहां पर दे जरा देखो, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, या तो 6 हो जाए 18, तो आसान क्या होगा, 6 बनाना होगा, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, यही हमारा मान हो गया। अब देखेंगे तो ये कितना आ गया 10, यानी कि 10, और जो सुई हमारी 4 पे होती है, जब सुई पहले 2 पे थी अब 4 पे आ गई, तो 4 पर जब मान होता है कितना होता है 20 मिनट, यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? अब एक और देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और उठा लेते हैं, यही पर कर देता हूं, इसको मिट देता हूं। देखिए एक एग्जांपल जैसे और ले लीजिए आप,
हमने कर दिया मान लीजिए 4:40 समथिंग कर दिया। अब 4:40 हमने जैसे ही कर दिया तो हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि इस साइड में 4:40 लिख लिए, तो ये तो घंटे वाली है, तो यहाँ हमने 4 लिखा। अब ये बताओ कि 40 मिनट कब होगा, जब मिनट की सुई किस अंक पर होगी, तो 40 बेटा कब होता है 30, और यहाँ पर देखेंगे 40 जब हमारी 8 पर होगी, तो जब हमारी सुई कितने पर होगी 8 पर होगी, तभी तो 40 मिनट होगा। अब जरा देखो इसमें ऐसा कुछ जोड़ो, बोलो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि 6 या 18 हो जाए, तो आसान क्या होगा 6 बनाना, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम 2 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ इसमें कितना जोड़ दें, 6 तो बन नहीं सकता, 18 बनेगा, और 18 का मतलब इसमें कितना जोड़ दें 10 जोड़ दें, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये 2:10 है, 10 पर जब हमारी सुई जाएगी, पहले हमारी सुई कितने पे थी 8 पे, अब हमारी सुई कितने पे जाएगी 10 पे, जब सुई हमारी 10 पे जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ देखेंगे तो 30, 40 और ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ देखेंगे 30 हो गया यहाँ पे 30, 40 और ये कितना हो जाएगा 50, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2:50, यही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप दिमाग यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में और आपको समझा देता हूँ, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आप समझ लीजिए, जैसे हमने आपको कर दिया मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं 12:20, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया क्वेश्चन ले लिया 12:20 का, ये बताइए तो तीसरे मेथड से देखिए कैसे होगा। अब दोस्तों 12 है तो हम साइड में करके देखते हैं कि हाँ हमने लिख दिया 12:20, तो यहाँ अभी 12 रहने दो, 20 मिनट का मतलब है कि हमारी मिनट की सुई किस अंक पर होगी, तो 20 मिनट पे हमारी सुई 4 पर होगी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4। अब इन्हीं को या तो 6 बना दो या 18 बना दो, बताइए दोस्तों इसे 6 बनाया नहीं जा सकता, 18 बनाना आसान होगा, तो इसमें हम कितना जोड़ दें 6 और जोड़ दें तो 12, 6, 18, और यहाँ पर हम इसमें कितना और जोड़ दें, तो इसमें दोस्तों हम कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें तो हमारा 4, 2, 6 हो जाएगा, क्योंकि जो 6 और 18 जो आसान हो वही बनाना है। अभी हमारा 6 इधर रहेगा ही रहेगा, तो जब मिनट की सुई हमने क्योंकि हमने चेंज किया था, क्योंकि हमने मिनट को संख्या में चेंज किया था, अब संख्या को मिनट में चेंज कर देंगे, तो जो 2 पर है जब सुई आएगी तो कितना हो जाएगा 10, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, तो दोस्तों यही हमारा 6:10 आंसर होगा। दोस्तों अगर और कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जरूर बता के दूंगा, और दुनिया का कोई क्वेश्चन आपका वाटर क्लॉक का नहीं फंसेगा। तो दोस्तों जितने ज़्यादा आप मुझे लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे उतने जल्दी मेरा वीडियो देख पाएंगे, और मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा और इसे शेयर करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे जानते हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ, मंजीत सिंह। क्लियर, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।